अरे बहू, तेरी शादी को इतने साल हो गए, मगर तूने मुझे कभी अपनी माँ समान नहीं समझा बहू। अरे माँ जी, लेकिन इतने सालों में आपने भी तो मुझे कभी अपनी बेटी के समान नहीं समझा। अरे बहू, ये तू क्या बात कर रही है? मैं तो तुझे हमेशा अपनी बेटी के समान ही समझती हूँ बहू। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे माँ जी, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अरे बहू, मैं माँ समान सास ही तो बनना चाहती हूँ। मैं कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हूँ जो मुझसे नहीं होगा बहू? अरे बहू, तू ये क्या बात कर रही है? तेरे होते हुए मुझे ये सब काम क्यों करना पड़ेगा बहू? और अब वैसे भी मेरी तो उम्र हो गई है, ये सब काम करने की उम्र थोड़ी ना है मेरी। अरे बेटा, तू इसे कुछ बोलता क्यों नहीं? जब देखो चुपचाप सुनता रहता है। अरे माँ, आप दोनों का तो मामला है, मैं क्यों बोलूँ? आप दोनों के आपस का मामला। वैसे भी माँ, मेरी तो अच्छी पत्नी पाने की चाहत पूरी हुई नहीं माँ। अरे बेटा, देख कैसे कंची की तरह जवान चला रही है, तभी तो बोलती हूँ इसका कुछ करना पड़ेगा बेटा। मेरा क्या, मैं तो कब चल बसू पता नहीं, मगर तेरी तो अभी सारी जिंदगी पड़ी है बेटा। अरे माँ रुको रुको, मुझे एक उपाय सूझ जाए जिससे हमारे तीनों का, मतलब तुम्हारे दोनों की समस्या का हल हो सकता है माँ। हे भगवान, शुक्र है तुझे भी कुछ सूझ जाए। चल अब जल्दी बोल, मेरे मरने के बाद बोल लेगा क्या? अरे माँ, इसे माँ सम्मान साथ चाहिए ना, और तुम्हें अच्छी बहू चाहिए माँ। तो तुम कल सुबह इसका बोरिया बिस्तर बांध देना, मैं इसके मायके छोड़ आऊंगा। माँ तो इसे इसकी माँ मिल जाएगी, और फिर मैं आके एक और शादी कर लूंगा, तो तुम्हें अच्छी सी बहू मिल जाएगी माँ। अरे बहू, तू चुप हो जा, पहले हम दोनों माँ बेटे को सलाह कर ले। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो भी ठीक नहीं निकली तो एक और मुसीबत गले पड़ जाएगी। फिर भी एक चांस तो ले ही सकते हैं माँ, वैसे भी मैंने एक बार ही तो शादी की है। माँ जी, मुझे लगता है कि ये हम दोनों सास बहू के झगड़े का फायदा
करना चाहते हैं। मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं माँ जी। अरे हाँ हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि इसको ठीक करना पड़ेगा, इसके इरादे ठीक नहीं है। बहू पहले हम दोनों सास बहू मिलकर ना इसको ही ठीक कर लेते हैं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी बहू। हाँ माँ जी, आप जल्दी से झाड़ू लेकर आइए, मैं जल्दी से ना बिल्लन लेके आती हूँ। Oh no!